पंकज बताइए के पास कुछ ज्यादा जानकारी है। देखिए फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी लीड कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। अयोध्या की सीट से लीड कर रही है समाजवादी पार्टी। वो अवधेश प्रसाद जो आपको याद होगा अखिलेश यादव ने उनको इंट्रोड्यूस किया था कि ये पूर्व विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो अभी करंट विधायक हूं। तो उन्होंने बोला करंट विधायक नहीं हो क्योंकि आप करंट सांसद हो जाओगे। ये वही वाले अवधेश प्रसाद हैं जो फैजाबाद यानी अयोध्या वाली सीट से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही है। शाजिया, बहुमत मिल रहा है अभी तक के रुझानों में, अच्छा बहुमत से आगे यादव अलवर से पीछे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव विश्व में ट्रेल कर रहे हैं, बहुत बड़ी खबर। नवनीत राणा ट्रेल कर रही है, एनडीए का नंबर पीछे खिसकता हुआ, इंडिया का नंबर आगे जाता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। एनडीए लेकिन अभी भी आगे है इंडिया से, अभी भी 100 सीटों का गैप, अभी भी 101 सीटों का गैप है। लेकिन शाजिया, लेकिन शाजिया पार्ट की स्थिति नहीं है कहीं से भी। शाजिया, अयोध्या वाली सीट पे बीजेपी पीछे चल रही है। किशोर जी, अमीश जी, सतीश भाई, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और मुझे लगता है कि देश की जनता भी आश्वस्त है कि बहुत ही बेहतरीन नतीजे होंगे। ये जो नतीजे होंगे ये भारत के लिए और हर एक भारतीय के लिए बहुत अच्छे होंगे, और इसीलिए मुझे यकीन है कि कमल ही खिलेगा हर जगह। कुछ आप देख रहे हैं रुझानों में कि कहीं हमारे कुछ कैंडिडेट्स उम्मीदवार आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी जीत के साथ और बहुत बड़े गैप के साथ अभी आपको जो आंकड़े दिखा रहे हैं जिनको कब होता हुआ 290 196 94 सीट्स का, यानी बहुत बड़ा कमबैक करा इंडिया अलायंस ने। यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडिया अलायंस का 130 का गैप चल रहा था, वो अब 100 से कवर अप कर लिए, 100 से कम हो गए, 100 से कम हो चुका है। बांसुरी स्वराज पीछे हो गई है, इस समय बांसुरी स्वराज अपनी सीट पे पीछे चल रही है। दिल्ली में 2-5 का रेशो चल रहा है इस समय, बांसुरी स्वराज पीछे हैं। इसके अलावा पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद ट्रेल कर रहे हैं। अब ये गैप 200 पंजाब में जो सारी लीड थी वो बीजेपी की चली गई, आम आदमी पार्टी की 2 सीटों पर लीड हो गई और है, पहले कांग्रेस की लीड हो गई। हाँ, दिल्ली में 4-3 4-3 हो गया दिल्ली में। जी सतीश जी, देखिए जैसे ही जयप्रकाश अग्रवाल चांदनी चौक से आगे दिखाया रहे थे आप लोग, तो मुझे लग रहा था कि बाकी कई और सीटों पर भी ये कंटेस्ट दिखाई पड़ जाएगा। मुझे लगता है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अंततः मैं अभी कह सकता हूं कि कहीं ये 4-3 ही ना रहे दिल्ली में। 4-3 इस वक्त चल रहा है दिल्ली में, इस वक्त चल रहा है, बड़ी खबर है ये। अभी इंतजार करना चाहिए, 9:10 हुए राजस्थान में, 14-10 और एक रविंद्र भाटी को, यानी 14-11 25 और इंडिया अलायंस 20। यहां पर अगर बाइफिकेशन करेंगे मुझे लगता है जी महाराष्ट्र में इंडिया आगे बढ़ जाएगी, महाविकास आघाड़ी आगे निकल जाएगा। लेकिन अब इस समय और बीजेपी में टीएमसी आगे है, 19-16 चल रहा है, 19-16 चल रहा है। ओडिशा के अंदर बीजेपी को एक अच्छी लीड मिल रही है लोकसभा चुनावों के अंदर, विधानसभा में उतनी बड़ी लीड नहीं है। केरल में कांग्रेस को एक बार फिर लीड है, कांग्रेस प्लस 12 के साथ है, एनडीए के खाते में 1 आ रही है। ये सारे नंबर हमारे सामने हैं, लेकिन निश्चित तौर पर 300 के लिए एनडीए से स्ट्रगल कर रहा है और इंडिया अलायंस 200 के पार जाने में स्ट्रगल कर रहा है। 20-8 चल रहा है इस वक्त कर्नाटक का स्कोर सतीश जी, 20 पे एनडीए, 8 पर कांग्रेस। कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी वहां से, उलट आ रहे हैं अभी तक के वहां के रुझान। मेनका गांधी पीछे चल रही है सुल्तानपुर से, मेनका गांधी अपनी सीट पे पीछे चल रही है। मेनका गांधी की सीट पर भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस भी काफी अच्छा कर रही है उत्तर प्रदेश में, उम्मीदों से ज्यादा अच्छा कर रही है। जैसे इमरान मसूद सहारनपुर में आगे चल रहे हैं, उधर कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी 4 सीटों पर आगे चल रही है जहां पर एक भी सीट उसको नहीं दी जा रही थी। राजस्थान में कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है, 10 सीटों पर राजस्थान में आगे चलना बड़ी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए। जिस तरीके से भूपेंद्र यादव अब आगे हो गए अपनी सीट पे, भूपेंद्र यादव अलवर से आगे हो चुके हैं, आगे हो गए हैं, पहले पीछे थे। सिरसा में कुमारी शैलजा आगे हैं, नवीन जिंदल अभी भी ट्रेल कर रहे हैं अपनी सीट के ऊपर। गुजरात में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है सतीश जी, गुजरात में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए ये तो इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर है, और जो एक तरफा चीजें दिखाई बढ़ाई चढ़ाई जाती है उसके लिए सबक है। क्योंकि देखिए जमीन पर मैं ऐसा मानता हूं, मैं घूम के आया हूं, 400 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल के आया हूं, मैं ये कह सकता हूं कि एक बेरोजगारी किसानी आदि आदि का मुद्दा है,
और जब आप जनवरी फरवरी के बाद अगर आप भरी गर्मी तक आप चुनाव कर रहे हैं तो ये आपको ना गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी थोड़ा ज्यादा दिखने लगती है किशोर जी। जी हाँ, मंदिर वाला इफेक्ट जो है। एक एक रिएक्शन, अब इस वक्त 9:15 बज रहे हैं, एक एक रिएक्शन बाकी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका ले लेते हैं। राजेश गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ कंचना यादव हैं आरजेडी से, काफी देर से बनी हुई है। कंचना यादव, खासतौर पर बिहार के अंदर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है इंडिया अलायंस का जितना अच्छा प्रदर्शन वो यूपी में कर पा रहे हैं या महाराष्ट्र में कर पा रहे हैं। देखिए अमीन जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये और है कि 9:30 बजे तक पिछली बार 2019 में जो बीजेपी की सीट थी उससे बीजेपी 65 सीट पीछे चल रही है और इंडिया अलायंस 89 सीट आगे चल रही है और अदर जो 34 सीट लोग जो अदर पे हैं उसमें 24 सीट वो लोग पीछे चल रहे हैं। तो ये शुरुआती रुझान है जैसा आप भी कह रहे हैं, लेकिन हम पूरा उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि हमें जनता पे भरोसा है और जनता इस बार चुनाव लड़ी है ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में। हम सरकार बनाने जा रहे हैं 295 प्लस और अच्छी सीटें हम लेकर आने जा रहे हैं ये दिख रहा है और वो सारा एग्जिट पोल जिसको हम कंडेम करते थे, जिसको हम कहते थे ये गलत है, फर्जी है, तो हमको ट्रोल किया जाता था, वो आज दिख रहा है वो किस तरीके से एग्जिट पोल बनाया गया था और उस सब को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जी 32 सीटों पर, जी कंचना जी, कंचना जी 32 सीटों पर ये है तो आपकी बात सही है कि ये आंकलन किसी का नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर, ये उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर आप समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र यादव, प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है इंडिया अलायंस का, उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी को पीछे कर दिया ऐसा लग रहा है। आपके चैनल पर ही मैंने 3 स्पेसिफिक सीटों का जिक्र किया था जिसमें एक मेरठ शामिल था, अयोध्या शामिल था और मथुरा शामिल था। भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को भी बचाने में मशक्कत कर रही है, तो इसे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने किस तरह से लोगों के मुद्दों को उठाया, लोगों के सेंटीमेंट को हिट किया और लोगों से कनेक्ट बनाने में सफलता हासिल की, उसका रिफ्लेक्शन आपके इस नतीजों पर दिखाई दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 50+ और अब ये गैप, अब 196 पे इंडिया, 290 पे इंडिया टकता हुआ। शाजिया इल्मी, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगते हुए, क्या कहना चाहती हैं? एक तरह से इंडिया अलायंस और आपकी कांटे की टक्कर हो गई है। जी अमीर जी, पूरी तरह से इज्जत मैं करती हूँ इन जो शुरुआती रुझान आपके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं और हम सब लोग आश्वस्त हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रुझान है और मुझे लगता है अभी काफी राउंड्स बाकी हैं और अगर अच्छा प्रदर्शन है और पार्टियों का तो मैं कतई नहीं कहूंगी कि ये किसी तरह से। बहुत बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, अजय राय आगे हो गए हैं। वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय आगे, ये बहुत बड़ी खबर, हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है। चुनाव आयोग की वेबसाइट की ये खबर है, वाराणसी से अजय राय आगे हो गए हैं। वाराणसी से अजय राय अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पंकज